नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद बिहार से हो चुका है और ये शंखनाद किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जहां पर उन्होंने सीमांचल का इलाका चुन जन भावना रैली की और अपनी रैली में कई बार लालू और नीतीश का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए, बिहार की महागठबंधन सरकार पर सवाल खड़े किए। लेकिन इस महाभारत का शंखनाद तो उन्होंने कर दिया, लेकिन महाभारत का जो रंग है वो बिहार में जदयू ने दिखाना शुरू कर दिया है। राजनीति में कई बार भगवान के अवतारों की बात होती है। बात करें अगर सबसे पहले आरजेडी की, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने खुद को कई बार कृष्ण भी बताया है। उन्होंने कई बार अपने छोटे भाई यानी कि सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन कहा है। लेकिन आरजेडी के इस महाभारत का जो रंग है वो पुराना हो गया है और अब नया रंग जदयू पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कई तरह की पोस्टरबाजी भी हो रही है। अब हम आपको जदयू के उन तमाम पोस्टर्स को दिखाएंगे जिन पोस्टर्स पर महाभारत का रंग चढ़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा को टक्कर देने, भाजपा को चुनौती देने महाभारत की रणभूमि में जदयू उतर चुकी है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा कृष्ण बनाया गया और नीतीश कुमार को उनका अर्जुन, ताकि कृष्ण उन्हें आगे का मार्गदर्शन दे और भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर एक जदयू कार्यकर्ता के द्वारा साझा की गई है। साफ साफ नजर आ रहा है कि रथ पर अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में है। मानो ऐसा कि ललन सिंह नीतीश कुमार को आगे की राह दिखा रहे हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर की तरफ ले जाएंगे। ये तस्वीर में देखिए, ऊपर तमाम नेताओं के चेहरे लगे हैं और फोकस ललन सिंह और नीतीश कुमार के ऊपर किया गया है। ललन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही रातों रात बिहार एनडीए में टूट लाकर बिहार की नई सरकार बना दी। ललन सिंह को यह अंदाजा हो गया था कि बीजेपी जदयू के भीतर सेंधमारी कर रही है, इसीलिए ललन सिंह को कृष्ण की भूमिका में रखा गया है, क्योंकि कृष्ण महाभारत की रचयिता थे और वो सब कुछ जानते थे। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, अब इस तस्वीर को देखिए और जरा गौर करिए, इस तस्वीर में ललन सिंह नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस तस्वीर में कृष्ण की भूमिका में है और उन्होंने चक्र उठा रखा है और लिखा है कि मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए उपेंद्र कुशवाहा। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका दी गई है और जदयू के कार्यकर्ता ने कहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा अभिमन्यु बनकर बीजेपी के उस चक्र को तोड़ देंगे जो चक्र बीजेपी बिहार में रचने की कोशिश कर रही है। अब जदयू बीजेपी के अंदर सेंधमारी करेगी और ये काम उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी की अब एक चाल जदयू के सामने टिक नहीं पाएगी। चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ, तो इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र बताया गया है और लिखा गया है, हमें रोजगार दो, हम कंगाल, आपका दोस्त माला माल। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की बाई तरफ अगर आप गौर करेंगे तो लिखा है, 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दो, हिसाब दो। दाई तरफ लिखा है, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी का जवाब दो, जवाब दो। भारत में प्रतिदिन 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। भारत में प्रतिदिन 38 बेरोजगार मरते हैं। इस तस्वीर पे आप गौर करिए, इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी को महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका में रखा गया है। धृतराष्ट्र अंधे थे और नरेंद्र मोदी को भी अंधा साबित करने की कोशिश की गई है। अंधा इसीलिए क्योंकि जदयू का कहना है कि नरेंद्र मोदी को भारत की बेरोजगारी, भारत के युवाओं की लाचारी नजर नहीं आ रही। कितने लोग भारत में रात के अंधेरे में भूखे सोते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का ध्यान उस तरफ नहीं है। कई वादे बीजेपी ने किए हैं और अगर बात सिर्फ बिहार की जाए तो बिहार में बीजेपी ने पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। और ये भी एक वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से दरकिनार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब जदयू ने नरेंद्र मोदी को इस भूमिका में रखकर उनसे सवाल किया है। हमने आपको ये तमाम पोस्टर्स दिखाए जो जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा साझा किया गया।
जदयू ने कहा है कि अमित शाह ने भले महाभारत का शंखनाद बिहार में कर दिया हो, भले ही वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले बिहार की राजनीति और रणनीति का रुख बदलने की, लेकिन बिहार में आज भी जदयू की जो पैठ है उसे कोई नहीं हिला पाया है। उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु बताया गया है जो मोदी का चक्रव्यूह तोड़ेंगे साल 2024 में। तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में नीतीश कुमार को राह दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। महाभारत की जो भूमिका है वो बिहार में दिखाई गई है। जदयू की तरफ से कहा गया है कि शंखनाद आपने किया है लेकिन समापन हम करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।